हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गाइस दी अध्यापक और एक अपडेट जो कि जेक बोर्ड की तरफ से आ रही है और एक नोटिस जारी किया गया है सेकेंडरी डायरेक्टर द्वारा। आप देख सकते हैं यह 27/5/2021 यानी आज यह नोटिस जारी किया गया है और इस पर आप विषय देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वर्ग 9 एवं 11 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के संबंध में, यानी कि जो झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है और यह नोटिस जो कि सेकेंडरी डायरेक्टर द्वारा जारी किया गया है और इस पर निर्देश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और साथ ही यह नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यह नोटिस जो ऑफिशियल नोटिस है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर आप कमेंट कीजिए आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए इसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे हाईलाइट में आपको बता देता हूँ कि इस पर क्या लिखा गया है कि जेक के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। सेकेंडरी डायरेक्टर ने आज इस संबंध में एक पत्र जारी किया है और झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर यह निर्णय लिया गया है ताकि उनका सत्र पीछे न रह जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह निर्णय केवल इस साल के लिए लिया गया है। और आपको बता दूँ कि 9वीं कक्षा में 4.5 लाख और 11वीं कक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया था और सेकेंडरी डायरेक्टर ने अपने आदेश से कहा है कि सत्र 21 और 22 शुरू होने में लगभग 2 माह बीत चुकी है और इससे राज्य में कोविड के कारण हालात हैं, इसे देखते हुए अगले 2 महीने तक स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। तो ये अपडेट जो कि जेक बोर्ड की तरफ से आ रही थी। तो आई होप गाइज वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके इंकरेज कीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।